अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग भाई। जैसा कि आप लोग को पता है कि ओप्पो काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में कोई भी फ़ोन लॉन्च नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया भाई कोई भी फ़ोन ओप्पो ने लॉन्च नहीं किया। बट एक फ़ोन ओप्पो ने रिसेंटली लॉन्च किया है, ओप्पो A77s, जिसको पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 72 से 73 हज़ार की प्राइस में लॉन्च किया गया है। बट ग्लोबली मार्केट में ओप्पो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 से 1.5 साल पहले ओप्पो ने पाकिस्तानी मार्केट में ओप्पो A17 को लॉन्च किया था। प्राइस ठीक रखी गई थी, उस हिसाब से भी प्राइस जो है वो ओवर थी। बट उसके बाद डॉलर जो है वो काफी ज़रा बूस्ट किया, ओप्पो ने भी अपने स्मार्टफोन की प्राइस को बूस्ट कर दिया। ओप्पो A17 कुछ महीने पहले 55,000 रुपए तक सेल हुआ है और ये एक बजट स्मार्टफोन है। डॉलर के रिवर्स गियर लगने की वजह से स्मार्टफोन की प्राइस कम हो गई है, 50,000 रुपए कर दी है। ऑफलाइन मार्केट में आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है, तकरीबन 40,000 की प्राइस में ये आप लोगों को इजीली मिल जाता है। बट आज मैं फिर ओप्पो के एक बजट स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि ओप्पो A17 का सक्सेसर होने वाला है ओप्पो A18। बेसिकली स्मार्टफोन को बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। डेट अभी कंफर्म नहीं है, जैसे ही डेट को कंफर्म किया जाएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। वैसे जब पाकिस्तान में स्टेबल हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद डेफिनेटली धड़ाधड़ स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च होने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी यार वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं, एंड साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। स्मार्टफोन में 6.56 इंच के IPS पैनल मिलता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, एंड नोच के साथ 5 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है, जिसकी मदद से आप लोग 720p में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080p का ऑप्शन होगा या फिर नहीं जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आएगा, इंशाल्लाह इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को बताया जाएगा। डिजाइन को डिस्कस करूं तो नो डाउट स्मार्टफोन का डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ओप्पो वीवो जो है वो डिजाइन को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, एंड ये दोनों ही ब्रांड ऑफलाइन ब्रांड है और ऑफलाइन में ये दोनों ही ब्रांड बहुत ज्यादा सेल आउट होते हैं, एंड इन दोनों की रीसेल वैल्यू भी काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी डिजाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड कैमरा आप लोग को एक नई लेयर के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं काफी ज्यादा चमकती हुई लेयर है, एंड इसके अंदर ही आप लोग को डुअल कैमरास का सेटअप प्रोवाइड किया गया है, जिसमें मेन सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलता है। अब क्वालिटी वगैरह कैसी निकल कर आती है ये तो अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, जैसे ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा अनबॉक्सिंग करेंगे, एंड उसी के अंदर आप लोग को ये चीज बताई जाएगी कि भाई ये स्मार्टफोन जो है वो कैमरे के हिसाब से खरीदने के काबिल है या फिर नहीं। एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, साथ ही ओप्पो का लेटेस्ट UI ColorOS 13.1 मिल जाता है। चिपसेट की बात करूं तो भाई चिपसेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। बेसिकली स्मार्टफोन में MediaTek Helio G85 प्रोवाइड किया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से एक डिसेंट चिपसेट है। यानी कि PUBG में 40 FPS मिलेंगे और आप लोग इस स्मार्टफोन में PUBG इजिली प्ले भी कर पाएंगे। जायरो आता है या फिर नहीं आता अनबॉक्सिंग करूंगा, उसी के अंदर आप लोग को ये चीज भी बताऊंगा। बाकी यार ये चीज कंफर्म है कि ओप्पो ने इस चिपसेट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक देखने को मिलेगी। मेमोरी वेरिएंट की बात करूं तो भाई स्मार्टफोन में 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट आएगा, डुअल सिम के साथ डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा, और भाई स्मार्टफोन के अंदर भी आप लोगों को EMMC 5.1 वाली स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो काफी ज्यादा स्लो है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो भाई स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, साथ ही फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आता है, 5000mAh की बैटरी है, जिसके साथ आप लोगों को कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो भाई ये एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो भाई मेरे हिसाब से स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में 35,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, बट डेफिनेटली ओप्पो अगर स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करेगा तो ओवर प्राइस ही लॉन्च करेगा। लाइक स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 45,000 से 50,000 के बीच में हो सकती है। अब देखो यार 45,000 से 50,000 की प्राइस में स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन वर्थ इट नहीं है। बेसिकली स्मार्टफोन में डिस्प्ले जो है वो 720p वाला है, 90Hz का रिफ्रेश रेट जरूर मिलता है, फ्रंट पर नोच है, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, बैक पर 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्रोवाइड किया गया है, एटलीस्ट 48 या फिर 50 मेगापिक्सल का सेंसर होना चाहिए था। और दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि स्मार्टफोन में 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट आता है, यानी कि इस प्राइस रेंज के अंदर 45,000 से 50,000 की प्राइस के अंदर आपको 8/128 भी मिलता है, 8/256 वाला वेरिएंट भी मिलता है, लेकिन ओप्पो आप लोगों को 4GB 128GB प्रोवाइड कर रहा है। बट एक चीज मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, अभी प्राइस कंफर्म नहीं है, मैं एक्सपेक्टेड प्राइस आप लोगों को बता रहा हूं जो कि ओप्पो लॉन्च करता है, 45,000 से 50,000 पे हो सकती है,
है, 40 से 45 हज़ार रुपये भी हो सकती है। अभी प्राइस के हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, डॉलर और नीचे आया तो भाई ये डेफिनेटली ये स्मार्टफोन जो है वो कम प्राइस में ही लॉन्च किया जाएगा। बाकी अगर मैं लॉन्च डेट की बात करूँ तो भाई स्मार्टफोन को बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन डेट अभी ओप्पो की तरफ से फाइनल नहीं की गई कि भाई इस डेट को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही आएगा अनबॉक्सिंग करेंगे एंड उसके बाद आप लोगों को हर चीज जो है वो स्मार्टफोन के बारे में डिटेल के साथ बताई जाएगी। सो उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।